यार्न का प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किया जाता है, जहां कपड़ा सिलाई, क्रॉचिंग बुनाई, बुनाई कढ़ाई या रोप मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल यार्न के इस्तेमाल से टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, जिसके कारण यार्न ट्विस्टिंग की मदद से अलग अलग तरीके और डिजाइन के यार्न तैयार किए जाते हैं। ट्विस्टिंग की मदद से दो यार्न को एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे यार्न मजबूत भी होता है और दो कलर्स को कंबाइन करके कलरफुल भी बन जाता है। एक डायरेक्शन में ट्विस्ट करके सिंगल यार्न बनाया जा सकता है, वहीं प्लाई यार्न बनाने के लिए दो या दो से अधिक यार्न की जरूरत होती है। उद्यमी द्वारा लाई गई इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप इस बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में इस बिजनेस को करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस यार्न ट्विस्टिंग के लिए सबसे पहले कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग यार्न को मशीन में डबलिंग के लिए लगाया जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली डबलिंग मशीन की मदद से स्पिंडल में यार्न की डबलिंग होती है। डबलिंग मशीन की मदद से आप अलग अलग तरीके के फैंसी यार्न तैयार कर सकते हैं। डबलिंग के बाद कोन वाइंडिंग मशीन की मदद से कोन बनाया जाता है और इसे पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। आप एक दिन में 6 सिंगल की प्रोसेस के साथ 50 केजी तक यार्न ट्विस्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल यार्न ट्विस्टिंग बिजनेस के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी वे इस प्रकार हैं: कॉटन यार्न, विस्कोस यार्न, एक्रिलिक यार्न, लिनन यार्न आदि। मशीन्स इस बिजनेस के लिए आपको डबलिंग मशीन, जिसमें थ्रेड डबलिंग मशीन और यार्न डबलिंग मशीन, और इसके साथ साथ आपको वाइंडर मशीन की भी आवश्यकता होगी। मैन पावर इस बिजनेस के लिए आपको 1 से 2 स्किल्ड और 2 से 3 अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। एरिया इस बिजनेस सेटअप के लिए आपको लगभग 400 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी उसकी मार्केट कॉस्ट लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है, वहीं वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप इस बिजनेस को 6.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। यार्न ट्विस्टिंग में रेवेन्यू नंबर ऑफ काउंट के बेसिस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 काउंट का यार्न ट्विस्ट करते हैं तो आपका रेवेन्यू उसकी थिकनेस की वजह से कम होता है। वहीं अगर आप 30 या 40 काउंट का यार्न ट्विस्ट प्रोसीजर अपनाते हैं तो आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके क्लाइंट की यार्न काउंट की डिमांड पर डिपेंड करती है, बट ऑन एन एवरेज आप एक मंथ में 70 से 80 हजार रुपए तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केटिंग आप ऑनलाइन मार्केटिंग के तौर पर इंडिया मार्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी मार्केटिंग करके ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और उनकी सप्लाई कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट कर भी उन्हें अपने द्वारा बनाए यार्न को सप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपने यार्न ट्विस्टिंग बिजनेस के बारे में जाना। अन्य नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000333, 7526000555 पर कॉल कर सकते हैं।